कल हुआ क्या था, और अगर सबको ये लग रहा था कि कल का भी इंसिडेंट एक आइसोलेशन में है तो नहीं है। पिछले 4-5 दिन से कैंपस के अंदर वायलेंस को कहीं ना कहीं एकदम प्रमोट किया जा रहा था, कुछ आरएसएस अफिलिएटेड प्रोफेसर द्वारा और एवीवीपी द्वारा। एक यूनाइटेड मूवमेंट जिस टाइम पे चल रहा है, वहां पे बार बार कोशिश की जा रही थी प्रशासन द्वारा कि यहाँ पे मूवमेंट को तोड़ा जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए और स्टूडेंट्स की यूनिटी को तोड़ा जाए। सबसे पहले कुछ दिन पहले एवीवीपी ने अपना पोजीशन लिया, जब जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से एक कॉल आया डेमोक्रेटिकली हर एक जीबीएम के थ्रू, खंड वाइज मीटिंग के थ्रू, कि हम लोग एक बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन के तरफ जाएंगे। एवीवीपी का क्लियर पोजीशन था कि नहीं, हम एक बॉयकॉट के तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन आखिरकार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात क्यों कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको एड्रेस करना इस कॉन्टेक्स्ट में। जेएनयू एसयू बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि एमएचआरडी का रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन को अपहोल्ड जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था, और इसी का फायदा जेएनयू वीसी जेएनयू प्रशासन ने उठाया कि ये जो डिवीजन एवीवीपी क्रिएट कर रहा है कैंपस के अंदर, उसी के द्वारा यहाँ पे वायलेंस करवाया जाए, गुंडों को भेजा जाए और लोगों पे अटैक करवाया जाए। और ये क्लियरली एक ऑर्गेनाइज अटैक था, क्योंकि जब वो लोग मार रहे थे लोगों को, नाम ले लेके मार रहे थे, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे, और काफी ऑर्गेनाइज ये अटैक था। परसों के दिन ऑलरेडी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स काफी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर चुके थे, वहां पे उस टाइम पे जेएनयू एसयू के ऑफिस बेरस पहुंचे थे उस चीज को रोकने के लिए। जब रोकने पहुंचे थे तब जेएनयू एसयू के ऑफिस बेरस पे भी अटैक किया गया था, क्लियरली अटैक किया गया था। उस पे हम लोग ऑलरेडी प्रेस में स्टेटमेंट लेके आए हैं, और मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन सतीश को मेरे सामने ऐसा हालत था कि जो जनरल सेक्रेटरी यूनियन को, उनको लिटरली लिंच करने जा रहे थे एवीवीपी के एक्टिविस्ट, और ये हालत हो गई, इतनी इम्प्यूनिटी इनमें आ गई है। जेएनयू टीएफ के नाम पे प्रोफेसर्स और डीन बैन के बैठे एसआईएस में प्रोफेसर अश्विनी कुमार महापात्रा लोगों को खुलेआम और मुझे बोल रहे थे देख लेंगे तुमको, देखो कितने फायर करते हैं। तो दिस इज द इम्प्यूनिटी दिस आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर्स हैव इन दिस कैंपस। और इसके साथ साथ कुछ और प्रोफेसर्स उस टीएफ के बार बार स्टूडेंट्स को जाके घूसा मारे ओपनली स्कूल एरिया में, एंड दिस इज द रियलिटी इन द ब्रॉड डे लाइट। उसके बाद कल के बारे में हम लोग आते हैं। एज यूजुअल हम लोग अपना स्ट्राइक इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, और एवीपी द्वारा फिर से वायलेंस कैंपस के अंदर शुरू हो गया। जब हो गया, जेएनयू एसयू का पहले से ही कॉल था कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का जो पीस गैदरिंग साबरमती टी पॉइंट में होना था, हम लोग उसको सॉलिडरिटी में ज्वाइन करेंगे। और हम लोग जब ज्वाइन किए उसको, तब तक कुछ लोग ऑलरेडी कैंपस के अंदर कुछ कुछ एरियाज में जाके वायलेंस अनलिश कर रहे थे, और कैंपस में ऐसा एक माहौल बना रहे थे जहां पे बार बार पोलराइजेशन हो और वो लोग उसका फायदा उठाए। लेकिन हम लोग एकदम क्लियर थे, और स्टूडेंट्स कम्युनिटी एकदम क्लियर था कि इस कैंपस के अंदर 50 साल में कभी भी वायलेंस का हिस्ट्री हुआ नहीं है। हम अपने टीचर्स को भी सॉलिडरिटी दे रहे थे कि टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे इस मूवमेंट में रॉक सॉलिड होकर हमारे सॉलिडरिटी में खड़े हुए हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के हमें हर वक्त सिखाया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट को कैसे लड़ा और जीता जाता है। और हम लोग जब ऑफिस बेरस जेएनयू एसयू की तरफ से मैं और साकेत यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, और शाम की वक्त थी कि शाम 6:30-7 की बात होगी, यहाँ पे 300-400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे, और हम लोग चाय पी रहे थे यहाँ पे, कुछ प्रोफेसर से बात कर रहे थे, एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हियर एंड देयर दे वर टॉकिंग अमंग्स ईच अदर, एंड देन वी केम टू नो कि देयर इज अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव विथ स्टिक्स विकेट हॉकी स्टिक्स आयरन रॉड गैदर्ड एट गंगा धाबा। और मैं अगेन ये वर्ड क्यों यूज की, सुबह के टाइम मैंने जब बोला, मैं रेफरेंस करना चाहूंगी कि स्ट्राइक हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दो इंडिविजुअल स्टूडेंट को अटैक किया गया था एवीवीपी के एक्टिविस्ट द्वारा, जो कैंपस के एवीवीपी के एक्टिविस्ट थे और कुछ अननोन फेसेस थे। स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, और वो विटनेस है, स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे उनको एड ब्लॉक के पास
जो स्टैचू है जो अनवील नहीं हुआ है, उस स्टैचू के पास कुछ लोग खड़े होके एक स्टूडेंट का फोन छीना गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट को गाली गलौज करके वहां से थप्पड़ मार के हटा दिया और ऐसे व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने इमीडिएटली आके जेएनयूएसयू रिप्रेजेंटेटिव्स को स्कूल एरिया में ये बताया कि जेएनयूएसयू शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप दिस। जब ये बोला गया, हम लोगों ने ऑफिस बेयरर्स ने इमीडिएटली वहां पर डिस्कशन किया और हमारा डिसीजन हुआ कि हमें इमीडिएटली पुलिस को ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए। एंड व्हाट वी एज ऑफिस बेयरर्स डिसाइडेड दैट एटलीस्ट वी शुड इमीडिएटली ड्रॉप अ टेक्स्ट टू द एसएचओ इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड फ्रॉम माई फोन, मतलब दैट स्क्रीनशॉट कैन बी सर्कुलेटेड एज अ प्रूफ, बिकॉज बहुत सारी बातें अभी उठ के आ रही है कि प्रोटेक्शन ये वो। मैंने अपने फोन से टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज एसएचओ को किया था, यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर है उनको किया था, जो एसीपी है उनको किया था। इमीडिएटली इसको बोलते हुए ऑन बिहाफ ऑफ जेएनयूएसयू कि देयर इज अ गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु एंड अननोन सम फेसेस ऑफ द विद इन द कैंपस एट द एड ब्लॉक एरिया हु हैज बीन बीटिंग अप स्टूडेंट्स सिंस द मॉर्निंग एंड दे आर हैविंग वेपन्स लाइक स्टिक्स एंड अदर वेपन्स आयरन रॉड। The police should immediately intervene and make sure that no such incidents happen and they should ensure the safety. और मेरा personal communication भी पुलिस के साथ हुआ था फोन पे उसके आधे घंटे के बाद, जब पुलिस ने हमें ये assurance दिया था कि नहीं मैडम सब कुछ ठीक है, हमने इन लोगों को हटवा दिया है। ये हमें बोला गया था कि इन लोगों को हमने हटवा दिया है, लेकिन clearly जब 6:30 बजे एक mob 60-70 लोगों का आयरन रॉड लेके कॉमन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहरेमी से पीटने लगे, आप देख सकते इस जगह का शायद आप लोगों को एक इमेज मिला होगा कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन एक पीस प्रोटेस्ट गैदरिंग का यहाँ पे कॉल दिए थे और टीचर्स की यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह थे सब टूटे फूटे पड़े हुए थे। लोग 70 लोग नकाब पहने हुए ब्लैक मास्क में आए, क्लॉथ मास्क में, स्टूडेंट्स दौड़ने भागने लगे अपने जान के लिए, वो आए और बहरेमी से हम लोग जो देख सकते थे पीटने लगे। जब पीटने लगे मैं खुद टी पॉइंट पे थी टीचर्स इस प्रोटेस्ट में और चाय पी रही थी, मैं खुद मेरा हॉस्टल कोयना के तरफ है, मैं उधर गई। जब मैं पहुंच भी नहीं पाई टी पॉइंट के एकदम लेफ्ट, जब मैंने लिया एक कार वहां पे खड़ा है जिसको वैंडलाइज मेरे सामने किया गया है, उस कार के पीछे मुझे सिंगल आउट कर लिया गया। मेरे साथ मेरे संगठन के एक्टिविस्ट थे और मेरी बहन थी खुद जो कल ही घर से आई थी, और साथ साथ हम लोगों को 30 लड़कों ने घेर लिया एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन। जब हमें घेर लिया पहला बाड़ी आयरन रॉड का मेरे सर के ऊपर पड़ा एंड स्टिल देन आई वॉज शाउटिंग एट देम कि आप ऐसे नहीं मार सकते, आप यहां से हटिए, आप मार नहीं सकते इस तरीके से। एंड कंटिन्यूअसली आयरन रॉड मेरे सर पे मारा गया, मेरे साथी के सर पे मारा गया और हम लोग दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद घुसा और हैमर, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट दिस हैमर्स वर देयर इन देयर हैंड एंड इट्स आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ एन फ्राइटनिंग सिचुएशन इट वॉज, मतलब दे वर अबाउट टू लिंच अस लिटरली देयर, और बार बार गाली देके बोल रहे थे इन लोगों को आज यही कूट डालेंगे और काट डालेंगे, देखते क्या करेंगे। एंड सम ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड अस देयर एंड देन दे सेड कि यहां से भागो, इन लोगों को नहीं मारना था, ये भी टर्म यूज किया गया है। और उसके बाद मैं वहीं पे गिर गई बिकॉज आई वॉज हैवीली ब्लीडिंग। लकीली सम स्टूडेंट्स रीच देयर, I was rescued from there immediately with the ambulance and taken to AIIMS trauma center and then I was treated there. Lekin yahi cheez students ke sath hua hai, Dripta yahan pe khud baithi hai, uske sath parso ye ghatna hui hai. Jis tarike se AVVP ke activist video to kafi gaya bhi hai aap logo ke paas, khule aam logo ko threaten kiya hai, Apeksha ke sath same hua hai, Dripta ke sath, इनके ऊपर चढ़ चढ़ के ये कर रहा है। लेकिन व्हाट आई लिटरली वांट टू पॉइंट आउट हियर दैट देयर इज अ क्लियर नेक्सस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जेएनयू दैट वी आर हैविंग। वो उस जगह पे मौजूद थे, हर एक जगह पे जहां पे वायलेंस हुआ है, और जब जब हमने सिक्योरिटी मांगा है वो कुछ नहीं किए है, सामने खड़े होके यही बोले मैडम हम क्या कर सकते हैं, आप अपने में लड़ाई मत करो।
बात लड़ाई करने की नहीं थी, बात ये थी वी वॉन्टेड टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम मेन हु वर कमिंग एंड अनलिशिंग वायलेंस ऑन अस विद आयरन रॉड्स एंड व्हाट आर यू टेलिंग अस। साइक्लोप्स ने एक भी कुछ नहीं बोला वहां पे हमें बचाने के लिए। दीज मॉब वेंट इन टू साबरमती हॉस्टल वैंडलाइज रूम्स, दीज मॉब्स वेंट टू अदर हॉस्टल्स एंड वैंडलाइज द रूम। और उसके बाद ये लोग जो स्टूडेंट्स को अटैक किए थे वो तो है ही, लेकिन क्लियरली हम लोग एक बात जो JNU-SU की तरफ से मैं बताना चाहती हूँ कि आखिरकार ये गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का जो म्यूट स्पेक्टेटरशिप, उनको 2:30 बजे जब JNU-SU की तरफ से खबर मिलता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, तब वो 100 मीटर तब उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं किया, लेकिन JNU-SU का फी हाइक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो जाता है तो मीडिया में ये बात फैल जाती है कि प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। क्या ये न्याय हमारे ये जान, हमारा जान, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन अस एंड इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन आवर लाइव्स। तो इफ वी आर आस्किंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम दिल्ली पुलिस, इफ वी आर आस्किंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम आवर इंटरनल सिक्योरिटी, इज इट दैट रॉन्ग दैट आवर स्टूडेंट्स हैव बीन फ्रेंटिकली रनिंग अराउंड टू फाइंड सेफ स्पेस। एंड यही कुछ वीक पहले जामिया के साथ हुआ, जब स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर थे, उनके अंदर पुलिस घुस के बेरहमी से टियर गैस चलाया, पीटा, मारा। और हम ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारा सेकंड होम है, ये हमारे लिए अपना घर है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि JNU हमारा घर है, था और रहेगा। ये RSS के लोग हमसे हमारा घर नहीं छीन सकता। अगर उनको लग रहा है कि एक डंडा JNU-SU को मार के वो भाग जाएंगे, तो मैं ये बार बार बताना चाहती हूँ कि नहीं, आप किसी भी तरीके से हमारे हिम्मत को तोड़ नहीं पाए हैं और हम लोग वापस आए हैं। कल जब मैं खुद हॉस्पिटल मेन गेट के तरफ से निकलने जा रही थी एम्बुलेंस में, वहाँ पे ABBP के कुछ एक्टिविस्ट SL में पढ़ते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट थे, खुलेआम खड़े थे। और मैं एम्बुलेंस से मुझे निकलना पड़ा ये बोलने के लिए मुझे वे आउट दीजिए, मुझे निकलना पड़ा व्हेन आई वाज ब्लीडिंग हेवीली, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। एंड ही सेड कि जो हुआ है सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने बोला मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, लेकिन मैं वापस आऊंगी और वापस आके ये लड़ाई चलेगी, तब तक स्टूडेंट्स यहाँ के ये लड़ाई चलाएंगे। और मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ, आज JNU जो लड़ाई ये लड़ रही है ये आइसोलेशन में नहीं है। लेट्स रिमेम्बर रोहित वेमुला, प्लीज लेट्स रिमेम्बर रोहित वेमुला, लेट्स रोहित वेमुला नॉट रिमेन अ स्लोगन फॉर अस। टुडे व्हाट JNU इज फाइटिंग अगेंस्ट फी हाइक इज एग्जैक्टली नॉट टू पुश दिस यूनिवर्सिटी टूवर्ड्स मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, एंड वी आर प्राउड टू फाइट अबाउट दैट एंड वी विल फाइट इट आउट। बिकॉज आज मैं बोलना चाहती हूँ कि JNU को बार बार आइसोलेशन में देखा जा रहा है, लेकिन मैं जामिया के स्टूडेंट्स को और तमाम सारे स्टूडेंट्स जो कल सॉलिडरिटी में हमारे साथ आए, उनको शुक्रिया करना चाहूंगी कि हमने दिखाया इस सरकार को, इस RSS के गुंडों को, कि आप अपनी हिंदुत्ववादी जो आपकी मनुवादी सोच है उसको आप रख सकते हो, लेकिन हमारे पास जो ताकत है वो हमारा संविधान है और उसके लिए हम लड़ेंगे और हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे।